Dedicated and hard working. Oh my god. Oh my god. अरे ये कबूतर अरे 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 रो मत रो मत बता बता कितने के बोलो नमस्कार जी नमस्कार बोलो सभी को और भाइयों क्या चल रहा है। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में और आज हम रिची को लेके जा रहे हैं बाहर स्कूटी से फ्रेश करवाने जा रहे हैं इसे स्कूटी से जाएंगे लाड साहब। वाह 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 अरे 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 वाह वाह भाई ये तो मैटर कर दिया इसने। रिची रिची देखता कैसे है ये। तो अभी रिची को लेके जाना है और क्यों लेके जा रहा है इसको स्कूटी से क्यों लेके जा रहे हैं क्योंकि जैसे हम पैदल जाते हैं ना तो वो रास्ता आज बंद है तो हमें बहुत दूर से जाना पड़ेगा इसको लेकर। तो वही जुगाड़ लगाएंगे स्कूटी को निकालेंगे और इन प्रभु को लेके चलेंगे। फिर घर की सफाई करनी है क्योंकि काम चल रहा है घरों में एज यू ऑल नो पिछले वाले ब्लॉग से तो बहुत सारा काम हम लोग निपटा चुके हैं। बट देख सकते हो जैसे मुझे जुकाम हो गया बहुत तगड़ा वाला जुकाम है और सर दर्द बुखार भी हुआ था कल। बट कोई बात नहीं चलता रहता ये सब। और अभी पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो गया है ये बाहर तो आपको दिख ही रहा होगा। एक मिनट इट इज प्रीटी मच क्लियर। मैं एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ। अरे जूम हो जा देखो मतलब कितना ज़्यादा बाहर अभी पॉल्यूशन है। तो अभी बस आ गए हैं चाबी लेके और अब बस अब निकलना है हमें यहाँ से फटाफट। तो चलो तो यहाँ पर रिची बैठ गए स्कूटी बाहर निकल गई है एंड साहिल जी गए हैं कूड़ा डालने क्योंकि कूड़े वाला आ गया तो ये उसे ही देख रहा है। तो सी कितना क्यूटी लग रहा है रिची तो ये उसे ही देख रहा है। बाकी सारा काम निपटाना है हमें बहुत सारा काम है अभी बस धीरे धीरे होगा। तो गाइज अभी हम घर से निकल कर आ गए हैं रिची को फ्रेश करवाने के लिए। बेसिकली कहें तो थोड़ा घूम भी लेगा वो। यहाँ देख लो ये कितना बढ़िया एरिया है मतलब इससे बढ़िया आपको फिर कुछ दिखेगा नहीं। सुबह अलग ही माहौल है भाई। और ये वैसे टाइम तो 12 बज रहे हैं लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा पॉल्यूशन भी है और उस वजह थोड़ी ठंड भी शुरू हो चुकी है ना तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि सुबह 6-7 बजे का माहौल है ये पूरा का पूरा। और ये मस्त पूरा एरिया आप देख सकते हो सामने का है। यहाँ रिची अच्छे से घूम सकता है पर इधर नहीं इधर बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं तो इधर तो नहीं जंग लड़ जाएगा यहाँ तो भाई यहाँ क्या शिकारी कुत्ते ज्यादातर रहते हैं यहाँ मैटर खराब हो जाएगा तो हम इधर तो नहीं कर सकते। हम चलते पर ये जगह बहुत अच्छी है अगर खेलने वेलने का मन करे कभी आप किसी के पास टाइम रहे तो आ सकता है इधर की साइड। और रोड भी बढ़िया है बाइक गाड़ी सीखने के लिए खाली है एकदम। अब रिची को लिया है हम लोग यहाँ पे। तो वैसे देखो गलियों में हम लोग नहीं करवाते और करवा भी दे तो हम लोग उठाने का हमारा प्रॉपर रहता है कि यार हम उठा देंगे साफ कर देंगे पर हमारी गली के लोग है ना ऐसे है ना कि वो जानवरों को क्या ही समझते हैं यार समझ नहीं आता। एक आध लोग है वैसे पूरे नहीं एक आध लोग है ज़्यादा नहीं है एक आध लोग है जो बहुत बेकार है। बट हाँ देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि देखो पाला है तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा तो वो चीज़ भी हम फॉलो ही कर रहे हैं बढ़िया रहता है। बट हाँ भाई कितना पोल्यूशन है जस्ट लुक एट दैट। ये 12 बजे और ये अर्बन एरिया इट मीन्स थोड़ा सा अर्बन एरिया की तरफ आ जाते हैं हम लोग जब अपने हिसाब एरिया से निकलते हैं ना तो आप ये देख सकते हो पॉल्यूशन तो है बहुत अच्छा खासा पॉल्यूशन है जबकि यहाँ पे इतने खेत हैं नॉर्मली बहुत सारे खेत हैं और काफ़ी खेती होती है इस एरिया की तरफ में पीछे बोला बहुत दूर है। तो साहिल आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉल्यूशन पे है ये तो अब नॉर्मल हो गया यार हम लोगों के लिए हर साल ही तो होना ही है तो एवरेज है ये मामला कि आपको आदत सी हो गई है ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली का फैलाया हुआ पॉल्यूशन है चीज़ें कई तरह से देखा जाए तो मिक्स रहती हैं हमेशा ओपिनियंस मिक्स रहते हैं। बड़ा पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है कर नहीं सकते बट हाँ कम करने की कोशिश करो तो बढ़िया रहता हमारे लिए भी। बट इसका क्या करें ये बेचारा ओहो चलो इसे फ्रेश कराते हैं फटाफट से एंड देन अपनी स्कूटी तो वहाँ खड़ी कर दी हमने काफ़ी दूर हो गए हम लोग स्कूटी से
वैसे हाँ डर भी रहता है यहाँ पे एक, क्योंकि ये आपको जैसा पता ही है कि यहाँ पे ना थोड़े से चोर चोर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्कूटी को लॉक करना, अरे फट्टा भी उठा के ले जाएंगे, उसमें जो जुगाड़ लगा रखा है ना हमने, जो जुगाड़ है नीचे की तरफ का, वो फट्टा तक उठा के लोग ले जाते। ओ चलो वो तो फ्रेश हो गया, लेट्स गो, अब सीधा निकल सकते हैं हम लोग घूमने के लिए या फिर घर निकलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, सीधा घर निकलते हैं। चलो वो देख रहा है मुझे बेचारा, नहीं देखूंगा मैं उसे। ओके चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके तो अभी फिलहाल आ गया हूँ मैं घर पे, एंड अब कपड़े कुछ मैंने धो रखे थे तो वो चल रहे हैं सुखाने के लिए, और हमारे भ्राता श्री 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 साहिल शाह जी यहाँ पे वो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, जो कि पढ़ाई कभी कभार ही करते हुए आपको दिखेंगे ये व्यक्ति। आप क्या कहना चाहेंगे साहिल इस पर पढ़ाई के उपलक्ष्य में, आप क्या कहना चाहेंगे? I'm really dedicated and hard working person. Oh my God. दो शब्द हटा दो। Oh my God. तेरी मेहनत का जखीरा फट गया है। हार्ड वर्किंग पर्सन, यस हार्ड वर्किंग पर्सन। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं बताइए? देखिए अगर आपको मेरे चित्र 24 में से 4 मिनट 24 घंटा है सर 4 मिनट बता 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 चल अरे अरे रो मत अरे 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 रो मत बता कितने घंटे पढ़ता है तू? देखिए मैं दिन में 6-8 घंटे की पढ़ाई तो करता ही करता हूं। सही बात है, ये बिल्कुल झूठ बोला गया यहाँ पे, ये घंटे नहीं वो मिनट है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अपने बारे में कुछ है ही नहीं, अपने बारे में कुछ कहिए? कुछ भी नहीं। तो चलो ये नल्ला वेला गिरी तो हमारी चलती रहेगी, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि चल के कपड़े सुखा दे, क्योंकि आपको तो पता ही है भैया कि यहाँ पे हमारे यहाँ कितनी ज्यादा धूप अच्छी आती है। तो कपड़े धो के मैंने यहाँ निकाल दिए, अभी ये बाल्टी सुखानी है, और ये इसके अंदर भी कपड़े भरे पड़े हैं ये देखो, तो ये भी सुखाना है, ठीक है। एंड देन रिचे की स्वेटर है जो कि सर्दियों की हम लोग पिछले साल लेकर आए थे, तो वो भी सुखानी है। काम बहुत ज्यादा, उसे भी धोया है मैंने अभी, तो उसको भी सुखाऊंगा फटाफट से, और सुखाना यहीं पड़ेगा क्योंकि छत पर तो मैं जाऊंगा नहीं लेके, इसी तार पर सुखा देता हूँ। तो फटाफट से मिलता हूँ मैं सुखा के 2 मिनट में, वैसे देख लेते कितने कपड़े हैं। अरे यार ये कबूतर भी ना कपड़ा, अरे इसे धोने के लिए दोबारा डालना पड़ेगा, और ये वाइट ड्रेस है, अरे सत्यानाश हो कबूतर, लेकिन बैठा अच्छा, इधर बैठ जाते हैं, ठीक है इसके ऊपर बैठ गया होगा पाइप के ऊपर, और अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके गया है, शिट करके गया। तो नुकसान, चलो कोई नहीं, फटाफट से धोता हूँ, मतलब इसको धोता हूँ फिर सुखाता हूँ, एंड देन मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके तो हम लोगों ने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, कपड़े ऊपर देखो सारे सुखा दिए, बट डोंट बिलीव मी, अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बाहर का मौसम देखो, ओह माय गॉड। चलो अब गैस करो कि ये टाइम क्या हो रहा होगा, अभी कितने बज गए होंगे, अब गैस कर सकते हो, टाइमिंग देखो मतलब माहौल देखो। और नॉर्मली मेरे घर में मैं बता रहा हूँ 6 बजे के आसपास ही आंगन की लाइट जलती है, 6 बजे के आसपास, अराउंड 6 o'clock। तो अब जल्दी बताओ फटाफट से कि क्या लगता है कि अभी क्या टाइम हो रहा होगा, गेस करो। 1, 2, 3 4 बज रहे, दोपहर के 4 बज रहे इस समय, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, अब 4 बज रहे दोपहर के और इस टाइम पे ये माहौल है। तो इस पे हम अपने भ्राता श्री की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। भ्राता श्री हमारे छोटे भाई, आप बताना चाहेंगे कि 4 बज रहे हैं और इस समय इतना अंधेरा हो गया है, और दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है अचानक से, सडन रिएक्शन, सो व्हाट डू यू टेल हमारी ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे? जी जी मौसम बदल रहा है, जी जी जी
और दिल्ली में सर्दियां आ रही हैं। जी 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 हाँ, सर्दियां भी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी और पॉल्यूशन है, जी और हाँ, पॉल्यूशन का कारण आप सभी जानते हैं। जी 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 दिल्ली में मेरे हिसाब से खुद दिल्ली के जनता जी, अपने ही पॉल्यूशन में। ओ नो, यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो गई है, इन्होंने तो तार खोल दिए। जस्ट किडिंग गाइस, नॉर्मली बात हो रही है। देखो पॉल्यूशन होता रहता है, हर साल की बात है, बट हाँ सर्दी भी आ गई है। टेम्परेचर कितना हो गया अभी नॉर्मल? नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 15 या 19? नहीं यार, 19-20 के आसपास होगा, 20-21 के आसपास। पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, बट ओके झेल लेंगे, आखिरकार दिल्ली है भैया। हाँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जुकाम बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ी सी सोच रहा हूँ चाय बना लूँ, और चाय के साथ थोड़ा सा पकौड़ा शकोड़ा हो जाए तो मजा ही आ जाए भाई। ओके चाय बना लेते हैं थोड़ी सी, बट यार ये पहले सफाई करनी पड़ेगी इसकी तो मुझे, क्योंकि ये तो बहुत गंदा है ये तो चलो पहले सफाई करता हूँ मैं, इसको कंप्लीट करता हूँ एंड देन मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं? मॉल। लो शूट करो जरा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मॉल, और मॉल से लेकर आना है हमें सामान। सामान क्या लेकर आना है? अचार। तो अचार भी लेकर आना है, अचार पे विचार बदले जाएंगे। और अभी हमें लेकर आना है एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या बोलते हैं उसे, इंडेक्स चू लेंगे, कुछ बर्तन होते हैं स्पेशल बर्तन, इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है उसके उसके ऊपर स्पेशल बर्तन रखा है, स्पेशल बर्तन आता है, तो वो स्पेशल बर्तन लेकर आना है। अभी वही जा रहे हैं मॉल लेने। रिचे रुक जा दो मिनट। तो वही लेने जा रहे हैं, और अभी लेकर फटाफट से वही आएंगे, क्योंकि उसे लेने में मेरा तेल निकलेगा। चलो भाई। नाउ गाइस, ये है असली पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब हमारी एरिया से भी ज्यादा पॉल्यूशन इधर है अभी, जहाँ पे हम लोग लेने आ रहे हैं सामान। कैमरे में तो फिर भी बहुत क्लियर दिखा रहा है, कैमरे में तो हाँ, रियलिटी में आंखों में पता चल रहा है, जब आंखों में लहर हो रही है और ये सब हो रहा है, तब पता चल रहा है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पे। अभी है हम लोग मॉल में, और भाई साहब इतनी सारे बिस्कुट चॉकलेट देख के तो मन करता है कभी कभार कि कूद जाओ यहाँ। हेलो, बिस्किट्स देखो यार, इतने सारे बिस्किट्स है। अब देखते हैं यहाँ पे हर और क्या क्या, यहाँ पे नैपकिन सब कुछ है। ओके गाइस, हम लोग मॉल से आ चुके हैं, और मॉल से आने के बाद सबसे पहले कोई भी चीज हो, ऊपर दिखा, ऊपर ऊपर, कोई भी चीज हो हम लोग एक बंदे को चेक कराते हैं। रिची रिची, ये देखो, चेक कर लिया आपने? ओके चेक कर लो भाई, चेक करो रिची, ठीक है, रिची जी ने चेक कर लिया है। और बाकी उसमें से निकला है ये सामान, तो इसके अंदर सब्जी हो जाएगी, और इसके अंदर रोटी वोटी या फिर कुछ भी, जैसे अंडा वंडा बॉईल करना हुआ आपको तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये है, इसके अंदर क्या होगा मुझे नहीं पता, शायद ये थोड़ा सा वो अंडे के लिए, ये रोटी पराठे वगैरह, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, बाकी हाँ यूज हो जाएगा इसका। हाँ बाकी अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इसका इस्तेमाल ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में तो 200 यूनिट फ्री मिल जाती है, तो हम लोग थोड़ा बहुत बचत कर सकते हैं, सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप गर्मियों में नहीं कर सकते। तो गर्मियों में क्योंकि पंखा कूलर और ये सब चलता है, तो उसकी वजह से गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम हो पाएगा, बट सर्दियों में क्योंकि यूनिट्स बच जाती हैं, मीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना होता है, तो वही होगा। बाकी इसको देखो, रिची सेठ डू यू लाइक इट, आपको पसंद आया? कह रहा मुझे क्या मतलब है, तो लेट्स गो, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। तो ये है अपना नया इंडेक्स चूल्हा, निकालो इसे बाहर, अब ये हो गई अनबॉक्सिंग इसकी। ये बिल है, संभाल के रखना इसको, बिल रख दे सारे। कुछ नहीं है अब इसका, होगा यूज इन बर्तनों के साथ, देख रहे हो कितना तामझाम। अरे यार इसमें तामझाम बहुत है, देखना सारा सामान तो यही फेंक दिया साहिल, सारा सामान तो यार यही फेंक दिया उठा के, ये तामझाम बहुत है इसके अंदर। और ये रिची बाहर भाग गए, रिची चल अंदर, सर्दी हो रही है इतनी, चलो अंदर अंदर, चलो भागो भागो अंदर, अंदर चलो बैठो, अब इसका यूज होगा, देखते हैं यूज कैसा रहता है, बट जहां तक है यूज अच्छा ही रहेगा। एंड आई नो घर बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि हम लोग अभी शॉपिंग करके बाहर से आए हैं, और हमारे छोटे भ्राता श्री ने कुछ काम नहीं किया, इट मीन्स उन्होंने कोई सफाई नहीं करी। बाकी हाँ
देखते हैं कितनी मतलब कितना सफिशिएंट रहता है इसमें बनाने में, कितना इजी रहता है। सुना तो बहुत है मैंने कि इजी बहुत ज्यादा रहता है इसे बनाने में, बट अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड चीजें, वही बात है ना। अब देखना पड़ेगा कि कितना यूजफुल है ये। चलो लेट्स फाइंड आउट कि ये कितना यूजफुल है।